नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी को लेके। सो इंडियन आर्मी ने अपने T90 और T72 के लिए 125mm वाले आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड जो डिस्कार्डिंग सैबोट होते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जताई थी, जिसको DSE ने क्लियर किया था लास्ट ईयर। और इसी को लेके जो एक रिस्पॉन्स है, कई सारे प्राइवेट कंपनियों से आए थे इंडियन आर्मी को। सो यहाँ पे इस कंपटीशन को लेके खबरें ऐसी हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और प्राइवेट प्लेयर को ऐड कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा शॉर्टलिस्ट करके, ऑस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो लास्ट ऑर्डर थे ऑक्सिलरी पावर यूनिट के, वो इन्हीं को दिए गए थे। अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं है कि इस कंपनी के पास जो तकनीक है वो किसकी है, क्योंकि ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और पॉसिबली या तो ये अपनी तकनीक डेवलप करेंगे या फिर जो DRDO की तकनीक है वो इनको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी का ऐसा मानना है कि उन्होंने इस कंपटीशन को जीत लिया है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट था T90 और T72 के लिए अम्यूनिशन के प्रोक्योरमेंट को लेके, तो ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्लियर किया गया था DSE के द्वारा। सो अभी इसको लेके जो वेंडर की तलाश है वो चल रही है। कुछ ये प्रमुख वेंडर ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है और इन सभी में से जो भी लोएस्ट बिडर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि L1 को। और इसके लिए शुरू में ये जो भी वेंडर होंगे इनको तकरीबन 250 के नंबर में जो ये राउंड है वो बनाने पड़ेंगे इवेल्युएशन के लिए। तो इस तरह के अम्यूनिशन को लेके इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी बात करते हो तो जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी, मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वो 600mm से लेके 800mm तक होनी चाहिए। मतलब आपके एनिमी के टैंक के ERO को हटाने के बाद ये जो डेप्थ है वो अचीव करना चाहिए आपका साइबर। तो जो रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन राउंड है वो 530mm है, अगर जो इम्पैक्ट एंगल है वो 60 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपके APF PDS राउंड होते हैं उनका जो इम्पैक्ट एंगल होता है आपके एनमी के टैंक पे वो काफी की होता है। अगर जो इम्पैक्ट एंगल है वो ऑप्टिमम रहता है तो जो पेनिट्रेशन है वो आपको हायर मिलती है उनके कवच में। तो यहाँ पे आर्मी के द्वारा ये रिक्वायर्ड है कि 60 डिग्री के एंगल पे जब टकराएगा ये APF PDS राउंड तो जो पेनिट्रेशन होनी चाहिए वो 530mm की होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि एंगल और ऑप्टिमम हुआ तो जो पेनिट्रेशन है वो अपने आप बढ़ जाएगी और 600 के पार जाएगी। जो ये बैरल के अंदर प्रेशर जनरेट करेगा वो 650 MPa से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ही जो भी आपके टैंक के बैरल हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो अम्यूनिशन है वो न्यूली डेवलप जो T72 हैं और T90 हैं उनसे फायर किए जाने चाहिए। डिजाइन की बात करते हो तो डिजाइन जो रिक्वायर्ड होगी OEM के अकॉर्डिंग वही डिजाइन होना चाहिए, जबकि जो आपका काइनेटिक वेपन है यानी कि जो पेनिट्रेटर है उसके मटेरियल और लेंथ OEM के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो FCS को लेके है, यानी कि फायर कंट्रोल सिस्टम को लेके है। तो अभी हाल में जो भी आपके T72 अपग्रेड हुए हैं तो वहाँ पे अल्फा डिजाइन और एल्बिट द्वारा बनाया गया जो TI-FCS है वो लगाया गया है, यानी कि थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें रात में भी फायर करने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इमेजर को इंटीग्रेट किया गया है FCS से। अगर ये इंटीग्रेशन ना किया गया होता तो रात में थर्मल इमेजर होने के बाद भी आप फायर करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो उसके लिए स्टेबलाइजेशन का जो डेटा है वो तैयार नहीं कर पाता आपके गिम्बल के लिए। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड TI-FCS है और उसके बैलिस्टिक डेटा के अकॉर्डिंग ये जो आपके अम्यूनिशन है वो फायर किए जाने चाहिए वो रिक्वायर्ड है। सेल्फ लाइफ की बात करोगे तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेल्फ लाइफ है, मतलब जो अम्यूनिशन की लाइफ है, वो 10 ईयर की है। और साइबर्ट के ऊपर जो मटेरियल दिए जाते हैं उनको आप पैलेट कह देते हो, तो यहाँ पे जो पैकिंग है वो रिक्वायर्ड है पैलेटाइज्ड रूप में। सो यहाँ पे इस तरह के अम्यूनिशन को लेके शुरू में सिर्फ 250 राउंड ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 85,000 राउंड प्रोड्यूस किए जाएंगे। सो ये एक बड़ा प्रोक्योरमेंट है अगर आप इस तरह के अम्यूनिशन की बात कर रहे हो तो, क्योंकि टैंक बैटल में ये आपके मेन अम्यूनिशन हो जाते हैं अगर आपके दुश्मन के टैंक के आर्मर को भेदना है तो। बात करोगे अगले अपडेट की जो कि QRSAM के टेस्ट को लेके है। QRSAM का एक और टेस्ट अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था और एक टेस्ट आज भी कंडक्ट किया गया है, जहाँ पे QRSAM अपने टारगेट को, यानी कि अनमैन्ड एरियल टारगेट बंसी को, अपने प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल करके कैसे डिस्ट्रॉय करता है वो टेस्ट किया गया है। क्योंकि इससे पहले वाले टेस्ट में टारगेट को डायरेक्ट हिट करके डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी में जाकर डिस्ट्रॉय किया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका मिसाइल है QRSAM वो अपने टारगेट के प्रॉक्सिमिटी में, वो अपने टारगेट के कितने नजदीक जाने के बाद जो वॉरेड है वो इग्नाइट कर पाता है, तो इस चीज को चेक किया गया है। और इस तरह के जो आपके इग्निशन होते हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाले वो काफी उपयोगी हो जाएंगे कोई भी मैन्यूवरेबल टारगेट है उनके अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप मैन्यूवरेबल टारगेट को डायरेक्ट हिट से मारने जाओगे तो वहाँ पे चांसेस है कि वो मैन्यूवर करके बच जाए, लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी में जाते ही ये फट जाएगा तो जो ब्लास्ट रेडियस है वो उस फाइटर जेट को या फिर ड्रोन को कवर कर लेगा। सो ये मैन्यूवरेबल टारगेट को भी हिट करने में सक्षम है, जिसको लेकर जो तकनीक है वो आज वैलिडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस टेस्ट के दरमियान जो भी फ्लाइट डेटा है उन सबको ट्रैक किया गया है, टेलीमेट्री रेडार, इलेक्ट्रोऑप्टिकल सिस्टम और गाइडेंस भी दी गई है डेटा लिंक के थ्रू। टेस्ट के दरमियान आपके DRDO के ऑफिशियल, मतलब DRDO के जो भी लैब यहाँ पे इन्वॉल्व है उनके ऑफिशियल प्लस कुछ आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट थे।
जहाँ तक बात है इन ट्रायल्स को लेके, तो पॉसिबली ये फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो ऑफिशियल हैं वो डीआरडीओ के प्रेजेंट थे और पिछले जो भी आपके डेवलपमेंटल ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं उसमें वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये भी संभव है कि फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल के अंदर ये जो वॉरहेड का इस्तेमाल है वो किया जा रहा हो। तो इसका जो ऑफिशियल इंडक्शन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगले अपडेट में बात करते हो तो मालाबार को लेके है। मालाबार में हम सभी जानते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, यूएस नेवी और जापानीज नेवी, तो ये चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं फेज टू में। इन सभी नेवी के जो मेन बैटल ग्रुप हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको लेके आज फेज टू का जो पहला दिन है वो खत्म किया गया है। और आज के ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी क्रॉस डेक लैंडिंग है, मतलब एक नेवी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग दूसरे नेवी के वॉरशिप पे, तो इस तरह की जो क्रॉस डेक लैंडिंग है वो कंडक्ट की गई है। कई सारे जो मनूवर ड्रिल है वो कंडक्ट किए गए हैं। वहीं पे जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसको देखते हुए जो तकनीक है उस पे भी ड्रिल कंप्लीट किए गए हैं। अगर वॉरशिप्स की बात करोगे फॉर्मेशन में, तो ये कुछ वॉरशिप हैं जो कि आज आपको फॉर्मेशन में दिखी हैं। राइट से बात करोगे तो आपका INS दीपक दिखेगा, जो कि टैंकर है या फिर यूं कह लो सपोर्ट शिप है इंडियन नेवी की। उसके बगल में आपको दिख रहा होगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो फ्रिगेट है HMS बैलेरेट, तो वो आपको दिख रहा है। उसके जस्ट पीछे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, वो आपको दिख रहा है। फिर यूएस नेवी का जो डिस्ट्रॉयर है USS स्टेरेट, तो आपको दिख रहा होगा। बगल में आपके INS विक्रमादित्य है, बीच में हमारा सबमरीन INS खंडेरी है, उसके बगल में आपको USS निमिज दिख रहा होगा यानी कि अमेरिकन कैरियर। निमिज के बगल में जापानीज डिस्ट्रॉयर मुरासा में आपको दिखेगा, उसके बगल में ही कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई है, फिर उसके बगल में INS तलवार है। तो ये कुछ फॉर्मेशन थी जिसमें इन चारों नेवी के शिप ने ड्रिल कंप्लीट की है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अभ्यास हैं वो आपके इंट्रा ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाएंगे और आगे चल के आपको इस तरह के अभ्यास का जो एक एडवांटेज है वो ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।